हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं भूतमय तंत्र मंत्र की शानदार कॉमिक्स मौत की शहनाई। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी हॉरर कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार महाधमाका मौत की शहनाई। इस कॉमिक्स के लिए मैं खूब फटका हूँ। जब इस कॉमिक्स का एड देखा था, खूब आकर्षित किया इस कॉमिक्स ने मुझे। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स मौत की शहनाई। कवर पृष्ठ, एक स्टिकर मुफ्त, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना। मौत की शहनाई। ठाकुर धर्मपाल सिंह की हवेली दुल्हन की भांति सजी हुई थी। वर्षों बाद उनके घर में शहनाई बज रही थी। आज उनकी पोती निर्मला का विवाह था। स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बलदेव राज जी, पिताजी, बेटा, बरातियों, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करें पिताजी। चलो तभी बारात आ गई। चलो भैया, चलकर स्वागत करते हैं। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। कुछ पलों बाद बारात हवेली के दरवाजे पर आ पहुंची। वरमाला के लिए दुल्हन बुलाओ। तुरंत ही दुल्हन भरी निर्मला को वहां लाया गया। शर्मा मत सखी, जल्दी से दूल्हे के गले में माला डाल। निर्मला ने कांपते हाथों से वरमाला दूल्हे के गले में डाल दी। उसी क्षण गुर्र, अचानक निर्मला के हाथ दूल्हे के गर्दन से जकड़ गए। गड़प, अरे अरे, ये क्या कर रही है? उसके मुंह से निकले शब्दों से जैसे भैंसा रंब आ गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, गूं 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 गूं। तुझे निर्मला की शादी करने का कठोर दंड भुगतना होगा, गूं गूं। ओ, इस तरह तो भैया को मार डालेगी। उफ, ये क्या हुआ निर्मला को? दूसरे ही क्षण तो लेके छोटे भाई ने अपने तेज टक्कर से निर्मला पीछे ठाक। उफ, बच गया, थप्पा। लेकिन अगले ही पल बला की फुर्ती से उठकर निर्मला ने छोटे भाई दूल्हे को पकड़ लिया। अब मैं पहले तेरा काम तमाम करूंगी। तभी मयान से तलवार खींच ली दूल्हे ने। अभी इस मनहूस की अकल दुरुस्त करता हूँ। ओहो, ये तो निर्मला को मार डालेगा। दूसरे ही क्षण देव सिंह ने रिवॉल्वर निकाल लिया। इसके हाथ से तलवार गिराना होगा। फिर गोली चली ठीक उस क्षण। थाए, ओहो, अरे अरे अरे, आई फचाक। ओहो, ये क्या हो गया बेटा रणवीर? अगले ही पल ठाकुर भीष्म प्रताप के कंधे पर लटकी राइफल उनके हाथ में आ गई। तूने मेरे बेटे की हत्या की, मैं तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं। लेकिन देव सिंह की बात पूरी होने से पहले ही राइफल से चली गोली देव सिंह के पीसीने पे व्यवस्था हो यहाँ थाए। ठाकुर भीष्म प्रताप सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। इधर निर्मला के शिकंजे में फंसा छूटा दूल्हे का छोटा भाई। मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, ते छोड़ दूँ तो फिर खीन खून किसका पीऊँगा। अगले क्षण निर्मला ने दांत गड़ा दिया उसकी गर्दन पर। आई आई आहा, खून, मीठा खून, सुप सुप। फिर खून चूसने के बाद, अरे बाप रे, ये तो प्रेतनी है, भागो पचाक। और तुरंत ही वहाँ भगदड़ मच गई, भागो भागो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना ठाकुर धर्मपाल, इस घर में ना कभी शहनाई बजेगी ना किसी की डोली उठेगी, लेकिन तुम नहीं माने, अब भुगतो इसका फल। हा हा हा, कहते कहते आँखों की निर्मला की आँखों से रस्सियाँ फूटने लगीं। अगर इसी के साथ गजब हुआ। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। हैं, अरे बाप रे। लेकिन भागते मेहमान इसमें मुसीबत से पीछा नहीं छुटकारा पा सके। ठक, आहा, उपाय, आहा, देखा ठाकुर धर्मपाल सिंह, अपने मेहमान और बरातियों का हाल देख, बचाओ। उफ, कहीं निर्मला में गोविंद की आत्मा तो नहीं आ गई? यह जानकर किसी तरह गड़ते पिटते वहाँ से भाग गए। कुछ देर पहले खुशियों के रंग बिरंगी हवेली वीरान हो गई। खनाक, उफ, निर्मला तो छड़पति छड़ भयंकर होती जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? इस पागल लड़की को रोको बलदेव, वरना यह सब सर्वनाश कर देगी। ये पीतल का भारी गड़ा कुछ काम आ सकता है। अगले पल, आई थाक,
परिणाम स्वरूप भगवान का शुक्र है आसानी से बेहोश हो गई। फिर बाद में मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि अपनी हवेली में शहनाई नहीं बज सकती, मगर तुम नहीं माने। आज आपको अपना बताना होगा पिताजी, आखिर क्या गुनाह किया है हमने जो अपनी हवेली में शहनाई नहीं बज सकती। जानना ही चाहते हो तो सुनो, वर्षों पहले हमने एक गरीब लड़की से प्यार करने का गुनाह किया था। कहते हैं धर्मपाल की आँखों, कहते कहते धर्मपाल की आँखों में अपने आँखों के सामने अपनी युवावस्था के दिन ताजे होकर घूमते चले गए, क्योंकि हमने उसे महलों के सपने दिखाए थे। तुम सच कह रहे हो धर्म? हाँ पारो, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुम्ही से, और कल ही तुम्हारे भाई से बात करने जाऊँगा। ओह धर्म, तुम कितने अच्छे हो। फिर अगले दिन जब मैंने पारो के घर जाकर उसके भाई गोविंद से बात की, ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, भला कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग, ये मैं यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराने आया हूँ। गोविंद, तुम्हें पारो और हमारी खुशी की खातिर इस रिश्ते को मंजूर करना ही होगा। नहीं नहीं, बड़े ठाकुर को पता चलेगा तो वो हमारी बोटी बोटी नचवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा गोविंद, मुझ पर विश्वास करो। एक बार फिर सोच लीजिए ठाकुर साहब, कहीं अमीरी की चार दीवारी से निकली आग गरीबों के गुलशन को आह भरने का भी मौका ना दे। मैं अपने प्यार के माध्यम से अपने और पारों के बीच आने वाली हर आग को बुझा दूंगा गोविंद। बस तुम हाँ कह दो। ठीक है ठाकुर, मुझे बस पारों की खुशी चाहिए। आहा, और जब मैं वहाँ चलने लगा, एक बार फिर सोच लेना ठाकुर, यदि बड़े ठाकुर का कहर हम पर बरसा तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई ना होगा। चिंता मत करो गोविंद, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन जब हमने हवेली में वापस लौटकर अपने पिताजी से बात की, नहीं हम मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगा सकते, लेकिन पिताजी चुप रहो, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें इस समय आराम की सख्त ज़रूरत है। फिर उसी रात, समझ गया ना मैं तुझे क्या कहा है। जी ठाकुर साहब, आज ना ग्वालन बचेगी ना उसका भाई, आज ना वह ग्वालन बचेगी ना उसका भाई। ओहो शाबाश, जाओ अपना काम करो, जो आज्ञा मालिक, मैं सुन रह गया यह बातें सुनकर। ओहो पारो और उसके भाई को ख़त्म करना चाहते हैं पिताजी। मैं तेजी से दरवाजे तक पहुंचा और चौंक पड़ा। ओहो दरवाज़ा तो बाहर से बंद है, लेकिन मुझे नहीं रोक नहीं सकता, मैं उसे तोड़ कर निकल जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जल्दी उस मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला और फिर मैं तीर की तरह हवेली से बाहर आकर अपने घोड़े पर सवार होकर पारो के घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। मैं काफ़ी जल्दी पारो के घर पहुंचा, लेकिन तब तक अनर्थ हो चुका था। ओह नहीं, मैं तेरी से बाग में जा घुसा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पारो जलकर राख हो चुकी थी। नहीं पारो, यह सब क्या हो गया। तभी गोविंद की कराह मेरे कानों में पड़ी। ओहो वह अभी बच सकता है। मैं तुरंत गोविंद को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और बाहर पहुंचकर, ठाकुर धर्मपाल, तू मेरे घर में शहनाई बजवाना चाहता था ना, देख देख कितनी मधुर शहनाई बज रही है यहाँ। धीरे रखो गोविंद, तुम बच जाओगे। खामोश कमीने, तेरी जिद के कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी प्यारी बहन पारो मुझसे बिछड़ गई, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ ठाकुर, लेकिन तू भी एक बार कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरी हवेली में कभी शहनाई नहीं बचेगी। अगर तूने ऐसी कोशिश की तो वह शहनाई मौत की शहनाई बन जाएगी, मौत की शहनाई। किसी बहन बेटी की डोली नहीं उठेगी तेरी हवेली से। इतना कहकर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। भारी मन से हवेली लौट आया और एक वर्ष पश्चात पिताजी अपने मित्र की लड़की से मेरा विवाह करने कुछ दिन पश्चात स्वर्ग सिधार गए, और तुम्हारी बुआ यानी मेरी बहन की विवाह की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अच्छे खानदान का लड़का देखकर उसका विवाह तय किया। मुझे हमें यह रिश्ता मंजूर है ठाकुर धर्मपाल, बारात ठीक समय पर पहुँच जाएगी, हम स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। साहब, रूपा के विवाह से पहले हवेली आज की तरह सही होनी चाहिए। बारात की सभी तैयारी तो पूरी है ना धर्म बेटा? हाँ माँ, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने अपनी बहन की शादी में। फिर कुछ देर बाद बारात भी पहुंची। अभी हम सब बारात के स्वागत वगैरह में भी लगे थे कि अचानक अरे यह क्या, भागो, क्या हुआ? यह भगदड़ क्यों मच गई? उधर एक विशाल सर पे एक औरत के साथ लिपटा है। मैं उधर दौड़ा, यह सांप कहाँ से आ गया? उस तरह हे भगवान, इतना भयंकर सांप, अरे कोई मेरी पत्नी को बचाओ रे, आई बचाओ। फिर जो दृश्य हमारी आंखों के सामने आया, उसने हम सबको जड़ कर दिया। उफ, ये तो मोम की तरह पिघल रही है, हे भगवान। देखते ही देखते वह स्त्री कंकाल में बदल गई। ठीक तभी मच गया एक और शोर, सांप बिच्छू आई। उफ, ये तो जंतु तो आसमान से गिर रहे हैं। सभी मेहमान और बराती भयभीत हो वहाँ से भाग खड़े हुए, बचाओ आई भागो। ओहो, देखते ही देखते हवेली आज की तरह वीरान हो गई। मैं अभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था कि ठाकुर साहब जल्दी चलिए,
बाबा रूपा बीवी भयंकर रूप से तड़प रही है। ओहो मैं तीर से छूटे कमान की तरह भागा और जब रूपा के कमरे में पहुंचा, आई उफ क्या हुआ इसे, क्यों तड़प रही है, हमें कुछ पता नहीं है ठाकुर साहब, जाओ वैद्य को बुलाओ जल्दी करो। लेकिन उससे पहले कि कोई वैद्य को बुलाने जाता, उफ रूपा के मुंह से चमगादड़ जैसी आवाज निकल रही है, क्रिया या या या। रूपा होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें। तभी अचानक या भजाक, ओहो हमारे देखते ही देखते खून से नहाया चमगादड़ खिड़की की ओर उड़ पड़ा, क्रिया ओहो ओहो, और बाहर निकला और हवा विलीन हो गया। और तब मेरे मस्तिष्क में गूंज रहे थे गोविंद के वे शब्द, ठाकुर आज के बाद तेरी हवेली में बजने वाली शहनाई को मैं मौत की शहनाई में बदल दूंगा, किसी बहन बेटी की डोरी नहीं उठेगी तेरी हवेली से। उसके बाद चंद्रमिला ने जन्म लिया तो मैं सोच भय से शहर उठा था, और निर्मला की डोली उठने के कई दिन बाद कई अर्थियाँ साथ ही उठेंगी, तो वह प्रतिशोध हमसे गोविंद की आत्मा ले रही है। हाँ निर्मला के मुंह से निकलने वाली उसकी आवाज़ को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया था। सारी बात सुनकर निर्मला की माँ ठकराइन रमा देवी करुण स्वर में कह उठी, आहा काश निर्मला पैदा ही ना हुई होती, फिर पैदा होती मर जाती तो आज ये अनर्थ देखने को ना मिलता। हाँ जो हुआ बुरा हुआ, ठाकुर भीष्म प्रताप से अब हमारी जीवन भर की दुश्मनी हो जाएगी। पिताजी क्या आप निर्मला उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी। हाँ अब इसका विवाह करने की मूर्खता करने का मतलब होगा लाशों के और ढेर लगाना, चलो चलकर मरने वालों की लाशें उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। फिर सब उठकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए, हे भगवान ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई है हमारे घर। अब हवेली में हाल में अकेली आ गई निर्मला, आहा मैं इतनी मनहूस हूँ कि मुझे मेरे माता पिता ही मुझसे नफरत करने लगे। यंत्र छलिसी उठी निर्मला और चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई, धिक्कार है मेरे जीवन पर। और एक ऊंची पहाड़ी पर बढ़ती निर्मला के शब्द तूफान उठाए थे, हे भगवान ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई हमारे लिए, ये पैदा ही होती मर जाती तो अच्छा था, मई पापा समझ रहे हैं कि मैं बेहोश थी लेकिन मैं होश में आकर सब सुन रही थी, मुझ मनहूस को अपने परिवार की भलाई के लिए मर जाना चाहिए। कुछ देर बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, लेकिन इससे और यहां से कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इससे पहले कि निर्मला का शरीर हवा में लहरा पाता, रुक जाओ नादान लड़की मुझे छोड़ दो, मजरने दो मुझे, ताक होश में आओ। आहा, आहा। तो तुमने मुझे मारा। लेकिन फिर जैसी निर्मला की दृष्टि मारने वाले पड़ी, अरे संदीप तुम, निर्मला तुम यहां कैसे, मैं तो तुम्हारी शादी में ही सम्मिलित होने तुम्हारे घर जा रहा था, यही पास में गाड़ी खराब हो गई ठीक कर रही थी, तुम पर नजर पड़ी, यह लड़की इतनी रात गए पहाड़ी पर क्यों चढ़ रही है, कहीं फिर यह सोचकर कहीं तुम्हारा खुदकुशी करने का इरादा तो नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे आ गया, लेकिन शादी का मंडप छोड़कर तुम यहाँ मूर्खता करने क्यों जा रही थी। मैं मनहूस हूँ संदीप, तुमने मुझे मनहूस को बचाकर अच्छा नहीं किया, बू आंसू को बहाती रहोगी या कुछ बताओगी भी। तब निर्मला ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, तुम्हारी परेशानी गंभीर जरूर है निर्मला, लेकिन उसका हल आत्महत्या नहीं है, चलो मेरे साथ तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। सुबह सुबह, अरे बाबा आप चलो ना शीघ्र ही, सुबह सुबह। कुछ ही देर बाद संदीप ने कार शहर से बाहर बने एक शमशान घाट के सामने दी, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, तुम मुझे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का हल कराने के लिए तुम्हें अपने कुलगुरु शंकरा नंद जी के कुटिया में ले जा रहा हूँ। कुलगुरु शंकरानंद जी की कुटिया में पहुँचकर प्रणाम गुरुदेव, कहो कैसे आना हुआ संदीप, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, हैं बिना देखे मेरी उपस्थिति को कैसे बोध हो गया, मेरे कॉलेज की सहपाठी निर्मला है गुरुदेव, इसी के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा, बैठो मुझे इसकी समस्या बताओ। तब संदीप ने सारी बात गुरु शंकरानंद जी को बताई, जिसे सुनकर, हम बड़ी गंभीर समस्या है इस लड़की की, लेकिन चिंता मत करो हमारे होते कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सक पाएगा, सुनो बेटी तुम्हारा विवाह अवश्य होगा उस दुष्ट प्रेत आत्मा से हम निपटेंगे, लेकिन अब मेरा विवाह होना संभव नहीं, असंभव है गुरुदेव, मेरी मनुष्यत की कहानी अब हर जगह फैल चुकी होगी, ऐसी हालत में कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा। चुप्पी छा गई निर्मला की बात सुनकर, जिसे तोड़ा संदीप की दड़ा आवाज ने, मैं करूँगा तुमसे विवाह। क्या लगभग उछली पड़ी थी संदीप की बात सुनकर निर्मला, सब कुछ जानकर भी
तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। फिर निर्मला कुछ ना बोली और अपना सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। फिर निर्मला को लेकर संदीप हवेली पहुंचा तो उसकी शादी की बात सुनकर जैसे वहाँ तूफान सा आ गया। तू शादी करना चाहती है? यह सब जानते हुए कि हमारे परिवार की लड़की की शादी करने का मतलब है सबकी मौत। आप किसी चिंता की बात ना करें, अब ना हम लोगों को कुछ होगा ना ही आपको। हैं? ओहो, आ जाओ संदीप, ठीक दो दिन बारात लेकर यहाँ पहुँच जाना, मैं तुम्हें दुल्हन बनी मिलूँगी, ठीक है? कहकर संदीप वापस लौट गया। उफ, ये लड़की हम सबको मरवाएगी, ठीक दो दिन बाद। पी 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 ढम ढमा ढम ढम ढम। आओ, अब हम कहीं देखे जा रहे हैं, देखें कहाँ जा रही है बारात। खड़ा रहे बेवकूफ, ये बारात ठाकुर के घर जा रही है। पी ढम 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 ढम, ठाकुर के घर। फिर तो यह बारात वहाँ से वापस नहीं लौटेगी। कुछ देर बाद बारात ठाकुर के हवेली पहुँची और इधर ठाकुर के घर आज फिर शहनाइयाँ बज रही हैं। लेकिन मैं यहाँ उस लड़की की टोली हरगिज़ नहीं उठने दूँगा। आओ साथियों, आओ इधर। ओम विष्णु नमो ओम। तभी उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? आओ दूसरा हर गुर्र हेस हेस हेस, तुरंत ही गुर्र हेस हेस हेस। जहाँ वहाँ मौजूद लोगों की निगाहें उन पर पड़ी। संदीप, वो देखो। ओ नो, हे भगवान, लगता है मौत का परकाला गोविंद फिर यहाँ पहुँचा है। जबकि हलक फाड़ कर चीखा संदीप, पिशाच आ गए, भागो गुरुदेव। चीखा संदीप, सभी के सिर लोग सिर पर पैर रख के भागे, भागो आई उधर गुरुदेव। तभी गुरु शंकरानंद की आंखें एक झटके से खुली। ओफ, हम नहीं बचेंगे। आई तभी भचाक भचाक भचाक, अगले पल मैंने कहा था ना बेटी, अब तेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। आहा गुरुदेव, तेरा रक्षक बनकर आया हूँ मैं। तभी वहाँ एक बहन एक आवाज और गूंजी, और मैं बनकर आया हूँ तुम सबकी मौत। कौन? ओहो, यह तो यही है, वह शैतान आत्मा गोविंद। पकड़ लो इस साधु को, पहले हम इस का चूमन निकालेंगे। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। लो पहले इस भभूत का स्वाद चखो। अगले पल में भभूत कई अग्निपुंजों में परिवर्तित हो गई। भचाक, फिर वहाँ आ भचाक आई भचाक आ ओ हा 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 हा। तेरे साथियों को तो समाप्त कर दिया मैंने, अब तेरी बारी है दुष्ट। ले संभाल आत्म मृत्यु किरण कड़ाक, और तू भी संभाल मेरी ठंडी मृत्यु को। उफ, ये तो बेहद शक्तिशाली आत्मा है। हा हा, अब तू मेरी मानसिक तरंगों से नहीं बच पाएगा। मानसिक तरंगों ने तुरंत ही आकर शंकरानंद को घेर लिया। ओहो, और विवश होकर रह गया वह। इसी पल का भरपूर फायदा उठाया गोविंद की आत्मा ने। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। उफ, ये तो निर्मला संदीप को मार डालेगा, अब इन्हें बचाने का भी एक ही तरीका है। उधर गोविंद की आत्मा की आंखों से निकली घातक किरणें, और उधर ठाकुर धर्मपाल का शरीर हवा में लहराया, और अगले पल वह घटित हो गया जिसकी किसी को आशा ना थी। बचा कहा दादाजी? ओ नहीं, नफरत की चिंगारियां निकल रही थी गोविंद की आंखों से। आहा, तूने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी ठाकुर, जबकि मैं तुझे तब तक जिंदा रखना चाहता था, तेरा सारा खानदान तेरी आंखों के सामने ना मार देता। खैर, अब भी तेरे प्राण तेरे शरीर में, अब तक जब तक वे निकलेंगे मैं तेरी आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। कहकर गोविंद की बहन आत्मानंदाज में संदीप की ओर बढ़ा। पहले मैं इस दुस्साहसी दूल्हे को ख़त्म करूंगा। तभी उनके बीच आ गई निर्मला। ठहरो गोविंद, ठहरो, संदीप को छूने से पहले तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा। हैं? ये है निर्मला के रूप में गोविंद को अपनी बहन पारो दिखाई दी। बहन पारो, तुम मत कहो अपनी गंदी जुबान से बहन पारो, या तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारी आंख दुनिया के सामने सबसे अच्छा चाहता है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। यही तुम पारो को चाहते तो बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने से पहले यह अवश्य सोचते कि उनकी बहनें भी और बेटियां भी बैठने का इंतजार करती। उनके भाई और माता पिता ने अपनी बहन व बेटियों की शहनाई बजा बजा कर डोली में विदा करने के लिए कितने अनुमान सजो रखे होंगे। लेकिन वहीं ना तो तुमने अपनी बहन से प्यार किया, ना तुम सिर्फ लोगों के प्रतिशोध के बहाने लोगों का खून बहाने और चूसने से प्यार लाने थे तुम्हारी सफाई पथू। पारो, मैं पारो नहीं दुष्ट बल्कि ठाकुर धर्मपाल की पोती निर्मला हूँ, जिसका वंश खत्म करने तू आया है। ओह नहीं, गोविंद जय सोते जागा
पापी पहले मेरा खून चूस। नहीं बहन ऐसा मत कह, मैं प्रतिशोध की आग में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि पारो की तरह मेरी और बहन बहन इस दुनिया में है जिन्हें मुझे अपने विवाह की तरह बहन की तरह विवाह करके डोली में बिठाना है। भगवान ये मुझ पर कैसा पागलपन का दौरा पड़ गया था, मुझे क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर दे तेरे स्वरूप में। आज मुझे अपनी बहन पारो दिखाई है, अब मैं अपना प्रतिशोध यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं वादा करता हूँ भविष्य में फिर कभी ठाकुर धर्मपाल और उसके परिवार को नहीं सताऊंगा। आहा क्या सच गोविंद। हाँ बहन माँ कसम बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। और अगले ही पल गोविंद की आकृति धुएं में परिवर्तित हो चली गई। तुम सदा खुश रहो, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ। दूसरे ही पल वह धुआं बम की तरह सामने वाली दीवार से टकराया, पाम। और आहा गोविंद की आत्मा चली गई। आहा उसने हम सबको माफ़ कर दिया। और इसी के साथ साधु शंकरानंद भी गोविंद की मानस तरंगों से मुक्त हो गए थे। आओ मेरी बेटी मेरे गले से लग जा, आज तेरी वजह से हम सब की जान बच गई माँ। और फिर ठाकुर धर्मपाल को तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया। माँ डॉक्टरों ने काफ़ी संघर्ष के पश्चात उनके प्राण बचा लिए। दादाजी मेरी बच्ची मेरी बच्ची। अब कुछ माह बाद एक शुभ मुहूर्त में ठाकुर धर्मपाल सिंह की हवेली में शहनाई के मधुर संगीत के साथ मानो खुशियों की बहार आ गई, जिसे देखने के बाद शहर उमड़ पड़ा, क्योंकि आज संदीप और निर्मला विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। और तब शहनाई के मध्य निर्मला की डोली विदा हुई, जो उसकी आँखों में खुशी के आंसू थे। स्वयं ऊपर से देखते गोविंद की आत्मा की आँखों में खुशी के आंसू थे। सुखी रहो बहन, ईश्वर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन दुनिया भर की खुशियों से भर दे। समाप्त। दोस्तों ये शानदार भूत पेत्र तंत्र मंत्र जादू टोना से युक्त ये हॉरर कॉमिक्स मौत की शहनाई यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स मेरी बहुत पर्सनल कॉमिक्स थी, इसके लिए बहुत भागम भाग की है, भागना पड़ा। दोस्तों ये कॉमिक्स कैसी लगी आपको बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए ये कुछ ऐड ये दिव्यास्त्र जो अब तक उदय के नाम से जाना जाएगा अब तुम्हारे जिस्म में विलीन हो जाएगा और दिव्यास्त्र मेरे जिस्म में समा रहा है कड़ा काक और मानवता की भलाई के लिए। जब भी तुम तिकुदे पुकारोगे तिकुदे प्रकट हो जाएगा। तिकुदे त्रिकाल देव के हाथ में सूर्य की तरह जगमाने लगा था। गौतु के भौंपू से निकलने वाले अग्निदैत्यों के कौशल नगर में मचाई भयानक तबाही। कौन था गौतु और क्या मकसद था उसका तबाही के पीछे? क्या त्रिकाल देव इस तबाही को रोकने में कामयाब हो सका? जानने के लिए पड़े मनोज कॉमिक्स त्रिकाल देव सीरीज का सनसनीखेज कॉमिक्स त्रिकाल देव और जलूक। तो दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल मौत की शहनाई के साथ।